अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मोबाइली पे प्लैटिनम कार्ड अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। ये कार्ड बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई सालाना फीस नहीं है। जबकि यही कार्ड आप एसटीसी पे में अप्लाई करेंगे तो आपको 200 रियाल सालाना फ़ीस देनी पड़ेगी, और जो बेनिफिट वहाँ पर आपको मिलती है वो सारी बेनिफिट इसमें भी आपको मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल ट्रांजैक्शन पर आपको 1% कैशबैक मिलेगा, जबकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर 1.5% कैशबैक मिलेगा। आप कहीं से भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या टिकट वगैरह ख़रीदते हैं और इस कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको 1.5% कैशबैक मिलेगा, और लोकल यानी कि सऊदी अरब के अंदर इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं शॉपिंग करने के लिए या किसी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 1% कैशबैक मिलेगा। अब आइए जानते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। तो जब आप अपना मोबाइल पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑफ़र आपको देखने को मिलेंगे। जो जो ऑफ़र मोबाइल पे में चल रहे हैं वो सारे ऑफ़र यहाँ पर दिखाई देंगे। यहीं पर आपको एक ऑफ़र दिखाई देगा, गेट योर कार्ड नाउ। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कार्ड शो हो जाएगा, मोबाइल पे प्लैटिनम कार्ड। ये वीज़ा कार्ड है, एनुअल फ़ी 0 है, आप देख सकते हैं। और यहाँ कैशबैक लोकल 1%, इंटरनेशनल 1.5%, यहाँ पर भी इसकी डिटेल दी गई है। यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ क्लिक करके कार्ड होल्डर नेम सेलेक्ट कर लेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 डिजिट का एक पिन सेट करना है, तो यहाँ पर आप अपना पिन सेट करेंगे, फिर उसी पिन को यहाँ दोबारा एंटर करेंगे और कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल पे का पासकोड एंटर करेंगे और फिर इसे कंफर्म कर देंगे तो आपका कार्ड इशू हो जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे, यहां नीचे में कार्ड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका कार्ड दिखाई देगा। अगर आपने पहले से कोई कार्ड इशू किया हुआ है तो वो भी कार्ड यहां पर दिखाई देगा। जैसा कि मैं पहले एक क्लासिक कार्ड अप्लाई किया था, इशू किया था, वो कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अभी जो मैंने प्लैटिनम कार्ड इशू किया वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कार्ड इन्फो का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पासकोड इंटर करेंगे तो कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर कार्ड नंबर, यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम और एक्सपायरी डेट, और यहाँ पर CVV कोड आपको मिल जाएगा। आप कहीं भी इस कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहां से आप कार्ड नंबर कॉपी कर सकते हैं, CVV कोड वगैरह कॉपी करके आप कहीं भी इसे सेव कर सकते हैं। यहां पर कैंसिल कार्ड का ऑप्शन है, यहां से आप जब भी चाहे कैंसिल कर सकते हैं। सेट पिन का ऑप्शन है, आप यहां पिन सेट कर सकते हैं। फ्रीज का ऑप्शन है, आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।